वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का पेपर। हम डिस्कस कर रहे थे एंड आप सभी ने देखा होगा इंग्लिश का पेपर का जो हमने ऑलरेडी इससे पहले पार्ट वन डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में जो हम पेपर करेंगे उसका पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन हमने ऑलरेडी इंग्लिश फोर का जो हम पेपर कर रहे थे उसका हमने पार्ट वन देख रखा है। इसका लिंक आपको जो पार्ट वन का है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पार्ट वन को पहले जरूर देख ले क्योंकि उसके अंदर पार्ट वन के अंदर हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी डिस्कस कर लिया है। जो कि आपका रीडिंग और राइटिंग वाला सेक्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया। जैसा कि आप सभी को पता होगा पेपर का जो पैटर्न है आपका तीन सेक्शन के अंदर आपका पूरा पेपर जो है डिवाइड है। रीडिंग सेक्शन जिसके अंदर आपके पैसेज जो कि पहला एंड दूसरा क्वेश्चन रहता है, राइटिंग वाला सेक्शन जिसके अंदर आपका इन्विटेशन हो गया, आपका जो है लेटर हो गया, ठीक है, आपका स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, ये सब इसके अंदर आएंगे। एंड लिटरेचर वाली जो किताब से क्वेश्चंस इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन सी के अंदर। तो हमने सेक्शन ए और बी डिस्कस कर लिया है। सी जो रह गया था जो किताब के क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी सेक्शन ए कुछ इस तरह से आपका था जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं हम डायरेक्ट सेक्शन सी की तरफ, वहां से हम डिस्कस करते हैं जो आगे के हमारे क्वेश्चन रह गए थे। यहाँ से हमारा सेक्शन सी यानी लिटरेचर जो किताब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंड ये सातवां क्वेश्चन है, इससे पहले हमने छह क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जो दो क्वेश्चन थे वो पहले सेक्शन ए में आपके दो क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में आपके चार क्वेश्चन थे, तो टोटल हमने छह क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। जो बाकी बचे क्वेश्चन ये हम सेक्शन सी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो दिया रहेगा क्वेश्चन आपका यहाँ दे दिया रहेगा एक्सट्रैक्ट। एंड यहाँ पे आपका जैसे इसमें क्वेश्चन है सातवें में भी दो क्वेश्चन देंगे इसमें, एंड इनमें से किसी एक को आपको करना होगा। जैसे कि ये आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपने पढ़ा होगा पोयम, तो इससे पूछा गया है एंड इससे रिलेटेड आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन। इन्हें आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं वरना आपका टाइम वेस्ट ही होगा। आप जो है पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। जैसे क्वेश्चन बोला गया पहला, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम जो है पोएटिक डिवाइस एज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन बोला गया है कि जो पहली लाइन है उस विकल्प का आपको चयन करना है कि पहली पंक्ति में उपयोग किए गए समान काव्य उपकरण को प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें तो आई एम एज हैप्पी एज आई कैन बी, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, नेचर इज गोल्ड गिफ्ट टू अस, या द डार्जिलिंग डिवर्स इंसेंस्ड ऑल। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है अगर आप देखेंगे इसमें तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट लोनलेस इट विल नेवर जो है पास इनटू जो है नथिंग नेस, ये बोला गया है। अगर हम देखें यहाँ पे बोला गया यूज फर्स्ट लाइन यहाँ पे बोला गया, तो लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइट ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अगर आपने ये पोयम पढ़ी है तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। जीवन एक क्या है, रोलर कोस्टर की सवारी है, ऐसा कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए हम, व्हाट डज द पैराज ऑफ बोर क्वेट जो है इंडिकेट। यहाँ पे जो बोला गया है अब वेवर क्वाइट जो काव्यांश है वाक्यांश है क्या दर्शाता है आपको जो है सेरेनिटी, यहाँ पे बोला गया है सेरेनिटी, मोरेलिटी जो है सुपरिटी या जो है डाइवर्सिटी। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बोला गया है बोवर क्वाइट जो हमें इंडिकेट करता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोला गया बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, यानी यहाँ पे अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सेरेनिटी ऑप्शन जो ए है जिसका मतलब होता है शांति, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, द बेनिफिट्स ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ह्यूमन इंक्लूड। यहाँ पे अगर हम देखें अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पे बोला गया मनुष्य के लिए सौंदर्य की वस्तु के लाभों में क्या क्या चीजें शामिल है, हेल्दी बॉडी, क्लेम माइंड, यहाँ पे बोला गया स्ट्रगल फ्री लाइफ, बेटर जो है रिलेशनशिप, हाउ टू कैरी ऑन, यहाँ पे बोला गया है। अगर हम देखें इनमें से कौन कौन सी चीजें सही है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हेल्दी बॉडी ये बात सही है। अगर हम आए दूसरी की तरफ आए जो है दूसरा भी सही है इसका, शांत मन जिसका मतलब होता है। अगर हम आगे की बात करें तो स्ट्रगल फ्री लाइफ ऐसा नहीं, बेटर रिलेशनशिप ऐसा भी नहीं, होप टू कैरी ऑन यहाँ पे होप टू कैरी ऑन ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला आपका दूसरा और पांचवा ये तीन चीज सही है इसमें। एंड ऑप्शन की तरफ आए पहला तीसरा और पांचवा आपका ऑप्शन जो बी है वो इसके अंदर दिखा रहा है ये सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं फोर्थ की तरफ, आंसर इन वन वर्ड बोला गया है, When the poet says that a thing of beauty will never pass into जो है nothingness, he means that it is यहाँ पे बोला गया है कि जब कवि कहते हैं
सुंदरता की जो चीज है कभी शून्य नहीं होती, जीरो नहीं होती। तो उसका मतलब है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा अस्थाई नहीं रहते, ठीक है, मतलब सॉरी अमर हो जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं इमोर्टल, यहाँ पे एवर लास्टिंग, यहाँ पे कह सकते हैं इटर्नल, यहाँ पे अनडाइंग, ये वर्ड्स आप किसी एक का यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। पांचवी की तरफ देखें, पांचवा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए, जैसे वी आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग जो है प्रोवाइड बाय जॉय। तो यहाँ पे बोला गया है जो दो यहाँ पे कथन दिए हुए, जैसे पहला जो बोला गया हम खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल चीजों से जो है घिरे हुए हैं, दूसरा बोला गया सुंदर वस्तुएं हमें आनंद प्रदान करती है, यानी ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस जॉय, यानी हमें खुशी या आनंद कह सकते हैं उसे प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे बोला गया है जो आपका पैसेज है जो दिया हुआ गद्यांश है उसके आधार पे आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर बोथ वन एंड टू कैन बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए जो दूसरा और जो पहला है वो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी मुझे लगता है सी नहीं, कैन बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट वन कैन नॉट। यहाँ पे जो बी है बी वाला सही हो जाएगा, जो टू है कैन बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट वन कैन नॉट, यानी एक जो है वो नहीं बट दूसरा जो है सही हो जाएगा, तो ये इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ आए हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्ट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो है उपयुक्त शीर्षक यानी सही शीर्षक है, तो यहाँ पे आपके सामने बोला गया है ऑप्शन दिए हुए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हॉप फ्लोट यानी आशा हमेशा तैरती है वो बोला गया है, आशा तैरती है हॉप फ्लोट, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सातवें का आपका ए हो जाएगा, इसके अंदर बी रहेगा जो कि और में रहेगा, आप चाहे तो जो अभी मैंने किया है वो करवा सकते हैं कर सकते हैं, एंड बी जो अभी हम करेंगे वो कर सकते हैं, इन दोनों से आपको एक ही कर। तो इस वाले आप पैसेज को इस तरह से देख सकते हैं दिया हुआ है आपका, एंड इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्न ऑफ द पोएट इन द अबव लाइन। यहाँ पे बोला गया उपरोक्त जो पंक्तियाँ दी गई है कवि का स्वर क्या है, अग्रेसिव है, टॉलरेंट है, स्कैरेटिक है, रिसाइंड है, ठीक है, या सेंटिमेंटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम देखें इसके आंसर की बात करें हम तो यहाँ पे अगर देखें तो ये निकल कर आ जाएगा, अगर आप इसे पढ़ते तो आपको पता चल जाएगा कैसा है, आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। बाकी इसके आंसर की बात करें तो सैरेट जो है सरकास्टिक ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका, सिर्फ यही वाला जो है तीसरा इसका सही हो जाएगा आपका। अगर हम देखें इसके अंदर आपका ऑप्शन भी दिया हुआ तो नीचे आप देखेंगे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी जो थर्ड है ओनली जो है थर्ड ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा डी वाला। आगे आए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आइडेंटिफाई द पैराज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। तो वो नो वन बेटर टू टेक देयर जो है कंसेंट बिफोर जो है पुशिंग द प्रोमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर वे। यहाँ पे बोला गया है कोई भी बेहतर जीवन जो है वादे को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले उनकी सहमति लेने की जो है सहमत नहीं उठाता, जहमत नहीं उठाता, मतलब कोशिश नहीं करता। अगर देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एनफोर्सिंग बेनिफिट्स जो है लाभ लागू करना इस वजह से, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप पैसेज के अंदर जाएंगे इसका आंसर आपको इसके अंदर हिंट मिल सकता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके लिए करना थोड़ा इजी होगा। व्हाट क्वालिटी ऑफ द विलेजर्स कैन बी इन्फॉर्म्ड थ्रू दीज लाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये लाइन दी हुई है तो ग्रामीण के किस गुण का अनुमान लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन, अगर हम देखें इसमें से तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं भोले होते हैं, ठीक है, बुलेबल, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा, अगर आप पैसेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पता इनके आंसर, अगर आप देखें हिंट मिल जाता है, वैसे ऐसा भी है कि आपको मिले ही ना क्योंकि आपका ये वैसा पैसेज नहीं है कि आपको आंसर मिले। आगे आज हम आते हैं फोर्थ की तरफ, कंप्लीट द फॉलोइंग जो आपको कंप्लीट करना है, ग्रेडी गुड जो है लोजस जो है एलिट्रेशन। अगर हम देखें तो इसमें क्या आ गया निकल कर, इसमें आ जाएगा शिकार के, यहाँ पे जैसे लिखा है बेनिफिशियल बेस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पे आपका आ जाएगा यानी शिकार के लाभकारी जो है जानवर, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे की तरफ आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस वन और टू गिवन बिलो। तो यहाँ पे वन और टू दिया हुआ आपके कथन, ठीक है, द सिटी डेवलपर्स मेक प्रोमिस
फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स द सिटी ड्वेलर्स हैव जो है अल्टीरियर जो है मोटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके आंसर की, तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो टू इज द रीजन फॉर वन ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, सिक्स वाले की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया हुआ है, इसे आपको भरना है। जैसे कैलकुलेटेड टू स्मूथ देम आउट ऑफ देयर जो है विड्थ जो है इम्प्लाइज दैट देम आर बीइंग, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आप लिख सकते हैं कोई एक वर्ड जो है मैनिपुलेटेड फोल्डेड या डुपेड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, दो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर एंड इनमें से आपको किसी एक को करना होगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ आए, तो ये आठवां क्वेश्चन है आपका एंड इसमें भी वैसा ये ए और बी दिया रहेगा, आपको दो में से किसी को करना होगा। अगर हम ए को अगर हम देखें, लिस्ट द जो है प्ले राइट्स अ पर्पस ऑफ यूजिंग जो है एलिपेसिस यहाँ पे इन द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे बोला गया है जो क्वेश्चन बोला गया है कि जो इस पैराग्राफ जो पैराग्राफ है उसमें जो है इसका यहाँ पे आपको डॉट डॉट दे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है, का उपयोग नाटककार के उद्देश्यों को सूचीबद्ध करें। तो यहाँ पे देखें टू इंडिकेट द कैरेक्टर टू पोज फॉर थॉट टू एक्ट शोइंग जो है गैदरिंग ऑफ थॉट्स, यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से होगा। आगे हमारे दूसरे की तरफ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब डेरी एंड जो है मिस्टर लैम्ब इन द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे देखें हम तो जो डेरी है और मिस्टर लैम्ब है सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगर हम देखें तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शंस, अगर हम देखें इसके राइट आंसर तो डेरी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा इंट्रोवर्ट एंड मिस्टर जो लैम्ब है वो फ्रेंडली, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज मिस्टर लैम्ब्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बीज, तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा जो है कौन मधुमक्खियों के प्रति जो है श्री लैम्ब के रवैये का सबसे अच्छा जो सारांश प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द डिटेल्स, तो ये आपका जो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखें, अगर हम डेरी सेज आई कैम टू हेयर बिकॉज आई लाइक इट, व्हाट वॉज द वन सिग्निफिकेंट थिंग डेरी माइट हैव लाइक्ड अबाउट द प्लेस एज पर द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम प्रेइंग आइज पीपल, ठीक है, यानी अगर हम देखें सुबती जो है नजरे अब या लोगों से दूर, ये इसका राइट आंसर आ जाए एंड ये आपका जो है आठवें का हो गया है ए एंड बी के अंदर भी आपका दिया रहेगा, बी आप देख सकते हैं और है एंड और में दिया हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन आपसे जैसे आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, जैसे द राइटर्स रेफर टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज जो है इंस्पायरिंग बिकॉज, तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा, दीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुड मोटिव देम टू वर्क टूवर्ड्स द गुड ऑफ द प्लेनेट, अलाउ देम ऑब्जर्व फर्स्ट हैंड दैट द प्लेनेट needs to be जो है respected, nurtured rather than जो है abused, तो ये आ जाएगा इसके आगे के। आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो which of the following would not be a life changing experience, ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है एंड यहाँ पे बोला गया जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है जीवन बदलने वाला अनुभव नहीं होगा। अगर हम देखें तो ये क्या है, वीडियो प्लेइंग अ वीडियो गेम, ये थोड़ी नहीं लाइफ चेंजिंग जो है एक्सपीरियंस होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट करना है सबसे अच्छा, तो एडवेंचर विद अ मिशन आप इसे ये कह सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड फोर्थ वाला आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर रेफर टू एक्ट एज मोर इम्पोर्टेंट देन जो है एब्जॉर्ब टू लर्न, यहाँ पे बोला गया है लेखक कार्य को जो है अवशोषित या सीखने के अधिक महत्वपूर्ण क्यों बताता है, तो बिकॉज हैविंग द राइट नॉलेज ऑफ जो है इंक्लिनेशन अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट हाफ द जॉब डन, इट फेल्स टू हैव एन इम्पैक्ट टिल इट इज अपील्ड प्रैक्टिस पुट टू यूज इन आवर एक्शन, तो ये इसका राइट आंसर होगा एंड इस तरह से ये आपका आठवां क्वेश्चन भी ए और बी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। नौवे क्वेश्चन की तरफ आए, तो नौवा क्वेश्चन जो है आपको जो है इसमें बोला गया है एनी वन आउट ऑफ टू, वही है दो में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है आपको, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस जो है आपको कंप्लीट करना है, जैसे स्टेजेस ऑफ जो है वर्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट वुड रेफर टू, किसको रेफर किया गया है, अगर हम देखें तो सिचुएशन दैट रिक्वायर वन और टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, ऑप्शन जो बी है वो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ चले, तो अगला दूसरा पूछा गया है, ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपको भरना है कि आएगा कि, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा कैटापल्टेड, ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सा सही ऑप्शन आएगा। तो अगर हम देखें, बोला गया द हार्म डन टू द एक्ट्रेस वॉज ए एन एन, यहाँ पे अगर हम देखें इसके राइट आंसर को अगर है थर्ड का, तो ये जो है अनइंटेंशनल जो एक्ट रहता है वो ऑप्शन जो बी है वो इसके अंदर आ जाएगा। आगे की तरफ आए फोर्थ की तरफ, बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट दैट इज ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो सही है वो आ जाएगा आपका ही डू नॉट गेल वेल विद अदर्स इन द डिपार्टमेंट, जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड पांचवा दिया हुआ है आइडेंटिफाई द जो है टेक्सुअल क्लू दैट अलाउज द जो है रीडर टू इन्फर दैट द राइटर इज जो है सिम्पमेटिक टूवर्ड्स द प्रोफेशनल फिट और द एक्टर, तो अगर हम देखें इसका तो सेट एंड इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड अगर हम देखें अगले क्वेश्चन को, फटा जो है कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट करना है, द राइटर यूजेस द वर्ड यूनिफॉर्म टू रेफर टू द आउटफिट ऑफ द डिपार्टमेंट मेंबर्स, बिकॉज जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म इज अ कॉमन ड्रेस कोड फॉर ऑल, सिमिलरली देयर अपीयरेंस ड्रेस वॉज नियरली द सेम लोज खादी शर्ट एंड जो है कड़ी धोती, ठीक है खादी धोती, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा छठे का। ये इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो हमने डिस्कस किया ये नौवे का ए है एंड नौवे का बी भी होगा, इसके अंदर आप इसे देखिए आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड द इंटरव्यू से पूछा गया ये एंड इसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए, जैसे वट इज द मोस्ट लाइकली रीजन सम पीपल कंसिडर द प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू टू बी एन आर्ट टू बी एन आर्ट, तो यहाँ पे देखिए दिस कुड बी बिकॉज इट रिक्वायर्स, क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है अगर हम देखें इसका राइट आंसर, अगर हम देखें तो क्रिएटिविटी एंड जो है इमेजिनेशन, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, ठीक है इमेजिनेशन यहाँ पे है इमेजिनेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, री राइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पैराज विद इट्स इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस सेलिब्रिटीज फील दैट एन इंटरव्यू जो है गिवन इज देम, यहाँ पे आपको बोला गया क्वेश्चन है कि जो रेखा ये किया गया सेलिब्रिटीज फील दैट एन इंटरव्यू मेक्स देम जो है अपियर ऑर्डिनरी, तो ये इसका जो है आप देख सकते हैं राइट आंसर कुछ इस तरह से आपको करना है, कुछ इस तरह से होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन, यहाँ पे टू स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड इसमें से आपको राइट ढूंढना है कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सेलिब्रिटीज डोंट जो है कंसेंट टू बी इंटरव्यूड इंटरव्यूज जो है इंटरव्यूड द प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटीज, तो ये आपके दिए हुए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सेकंड इज द रीजन फॉर वन, तो ये ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, रैशनलाइज जो है रीजनलाइज टू सपोर्ट द गिवन जो है ओपिनियन टू से दैट एन इंटरव्यू इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ इज एन जो है एक्सट्रावेंट क्लेम, तो यहाँ पे आंसर अगर हम देखें तो कुछ तरह से इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पांचवे का देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन, यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसका विक्टिम आ जाएगा, रिप्लेस करना है आपको सपोर्टर्स की जगह विक्टिम्स आ जाएगा। छठे को देखिए, द ऑथर्स, यहाँ पे आपको जो है आगे की तरफ इसे बताना है कि क्या आ जाएगा, द ऑथर्स व्यूज ऑन इंटरव्यू द एक्सट्रैक्ट कैन बेस्ट द डिस्क्राइब एज जो स्टेटमेंट बेस्ट बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा फैक्ट ऑप्शन ए एंड ये आपका नौवा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद दसवां क्वेश्चन है आपका एंड दसवें क्वेश्चन में एनी फाइव क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे, टोटल जो है इसके अंदर आपको जो है छः क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छः में से किसी पांच के आपको आंसर देने हैं। जैसे पूछा गया व्हाट इज द मैसेज ऑफ द जो द रेटरेप है उसका मैसेज क्या है आपको बताना है, तो मैसेज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो आंसर दिए हुए, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, Why did राजकुमार शुक्ला want to meet गांधी जी, यानी राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे, इसका आंसर आप यहाँ पे देख रहे किस लिए जो है मिलना चाहते थे, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन को, Why is a thing of beauty a joy of forever, यहाँ पे बोला गया है जो thing of beauty है वो सदैव के लिए यानी हमेशा के लिए जो है आनंददायक कैसे होती है आपको बताना है, हमेशा के लिए कैसे रहती है। फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें, आंसर इस सभी के आप देख रहे होंगे, ये आपके आंसर दिए हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम इन द एंड, यानी
पूछा गया है, आखिर में जो डेयरी है मिस्टर लैम के पास वापस क्यों जाता है, आपको बताना है। इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। एंड फिफ्थ है, व्हाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज होम ओपन, यानी वो क्या है जो मिस्टर लैम है उसने अपने घर का जो दरवाजा क्यों खुला रखा, आपको बताना है। एंड इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिक्स्थ वाला जो है, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस जो है रिस्पोज इन हिम बाय द प्रॉप्टर, यहाँ पे जो बोला गया क्वेश्चन है, क्या फेरी वाले ने प्रॉप्टर जो है उसके द्वारा उस पर जताए गए विश्वास का सम्मान किया, आपको बताना है। तो नहीं किया होता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड ये दसवां क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके अंदर छह क्वेश्चन है, छह में से आपको किन्हीं पांच क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ आए तो ग्यारहवां क्वेश्चन है, किसी दो के आपको आंसर देने हैं, तीन होंगे इसमें क्वेश्चन। तो पहला है, इफ यू वर गिवन अ चांस टू चूज एन एंड ऑफ द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाट वुड यू वुड बी दैट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी, जैसे डेरी सेव्स मिस्टर लैम टू हिज जो हैंडीकैप, बोथ बिकम गुड फ्रेंड्स, तो ये आप कर सकते हैं हैप्पी एंडिंग। यही पूछा गया था कि आपको जो है, यदि आपको ऑन द फेस ऑफ इट कहानी का अंत चुनने का मौका दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, कौन सा अंत करेंगे, कैसा करेंगे। तो यहाँ पे हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी को जो है अच्छा अंत करेंगे, ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज फर्म, तो यहाँ पे अगर हम देखें राजकुमार जो शुक्ल है उसको दृढ़ निश्चय क्यों बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हाउ डू वी नो दैट जो है डॉक्टर सदाव वॉज जो है कंसाइंस्टियस एज वेल एज लॉयल, यहाँ पे बताना है आपको, हम कैसे जानेंगे कि डॉक्टर जो सदाव है कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ क्या वफादार भी थे। तो इसके बारे में आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से है। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ग्यारहवा, जिसके अंदर तीन क्वेश्चन होंगे, तीन में से किसी दो के आपको आंसर देने होंगे। बारहवीं की बात करें तो बारहवें आपके बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर किसी एक के आपको आंसर देने हैं, दो क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे बारहवें में पहला पूछा गया है, द एक्चुअल पेन और जो है इनकॉन्वीनियंस कॉज्ड बाय द फिजिकल जो है इम्पायरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ जो है आइसोलेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसएबिलिटीज, हाउ कैन वी हेल्प एंड सपोर्ट देम। यहाँ पे वही बोला गया है, जो शारीरिक रूप से जो है अक्षम व्यक्ति होते हैं ना, उसके बारे में बोला गया कि हम उनकी सहायता और समर्थन कैसे कर सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है। जैसे वो अलगाव की मतलब दूसरों से अपने आप को अलग समझते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम रहती है, वो कैसे थे, हम उनको कैसे सहायता कर सकते हैं, ये आपको बताना है। एंड ये हो जाएगा। एंड दूसरे क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 20% रिफंड ऑफ द फार्मर्स, हाउ डिड द इन्फ्लुएंस द पीजेंट जो है लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप इन जो है चंपारण, तो ये इसका आंसर है, आप इन्हें देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो में से किसी एक को ही आपको करना था, ठीक है, जो ऊपर वाला हो गया नीचे वाला हो गया, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ तेरवा है, एंड तेरहवें में भी वैसा ही है, आपको किसी एक का आंसर देना होगा। जैसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डेरी, तो मिस्टर लैम एंड डेरी के बारे में आपको बताना है। देखिए मिस्टर लैम के बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एंड डेरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से, डेरी के बारे में ये हो जाएगा, इनके करेक्टर कैसे थे, कौन थे ये, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं स्टोरी में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसी के अंदर और रहेगा। एंड और में पूछा गया, मुकेश इज नॉट लाइक द अदर, हिज ड्रीम्स लूम लाइक अ मिराज एडमिट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन जो है फिरोजाबाद, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट इन द मिड सेट्स ऑफ मुकेश एंड द पीपल ऑफ फिरोजाबाद। अगर हम देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो मुकेश दूसरों की तरह नहीं, उसके जो है उसके सपने जो है उनके शहर फिरोजाबाद में जो भरी सड़क है, भरी सड़कों की जो धूल है उसके बीच जो है मंडराते हैं, आपको बताना है। मुकेश और फिरोजाबाद के लोगों की मानसिकता में विरोधाभास के आलोक में आपको जो कुछ कथन है वो बताने है। तो ये इसके आंसर होंगे कुछ इस तरह से, आप पढ़ सकते हैं फिरोजाबाद और मुकेश के बारे में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, एंड इस तरह से आपका इंग्लिश कोर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से पूछे जा सकते हैं, यानी किताब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड ये था आपका पार्ट टू, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नीचे आपको जो है साइड वाइज सब्सक्राइब करने के बाद जो है, अगर आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर देते हैं एंड बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देते हैं, इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा।
बाकी यही था आज का वीडियो, चलिए मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।